That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to. एंजॉय करूंगी एक कप गर्मा गर्म कॉफी. आपसे हमें जो वो स्लिप जल्दी नजर आती है, कॉफी का कलर देखो कितना अच्छा आया है, एंड ये कप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा. ये देखो, ये पवन अपनी पसंद से नल लाए हैं. एक्चुअली हम लोगों का जो बेसिन है ना, उसका नल बिल्कुल खराब हो गया. पहले जो लोग रहते थे तब से वही लगा हुआ. मुझे तो बेसिन भी पसंद नहीं है, बट अभी उसको इसी तरह रहने देते हैं. ये जो नल है उसको बस चेंज करेंगे, तो ये नल उनसे तो लगेगा नहीं, तो जो भी लाइक प्लम्बर है वो लगाएंगे. ये देखो, ये मैंने अपने गार्डन के जो एलोवेरा है उसको लाइक कट किया है. अब इसका जस्ट बस इसके साइड के लाइक जो ये काटे काटे होते हैं ना, उसको हटा के इसका पल्प निकालूंगी. ये देखो मैं क्या खा रही हूँ, ये है पेठा. एंड पेठा खा के मैं जस्ट नहाऊंगी, थोड़ा सावर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. एंड बच्चे नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि कब मेरे बच्चे आ जाए. वो लोग मुझे चीट किया है, उन्होंने बोला था कि मैं एक या दो दिन में आ जाऊँगा, लेकिन वो लोग बुधवार को लाइक वेनेसडे को गए थे एंड अभी तक नहीं आए हैं. आज उन लोगों का आने का बात था, लेकिन उसकी मैम ने फ़ोन कर दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी. सो बोले मामा मैम तो आएगी नहीं है, स्कूल जो खुलेगा तो अब रेगुलर हम लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो आज के लिए रहने दीजिए. तो आज मैंने बोला ठीक है, तो कल अब लोग पक्का आ जाएंगे. तो अभी घर में सबको ही चले गए हैं काम वाम. आज मैंने फ़िश बनाया है, सोचा था शेयर करूँगी, लेकिन सुबह की भागा दौड़ी में ना बिल्कुल शूट नहीं कर पाई. एंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स दो सालों में कोरोना ने जो बैंड बजाई है ना, जो आदत बिगड़ी है सुबह सुबह लाइक दोनों बच्चों का स्कूल टिफिन रेडी करना, कैसे मैनेज होगा सब कुछ. अभी पवन को भी जल्दी जाना पड़ रहा है, वो तो स्कूल खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक हेक्टिक हो गया है. अब ये पेठा किस किस को पसंद है, कई जगह से मुरब्बा भी बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मीठा मुझे बहुत पसंद है, लाइक मुझे जो भी स्वीट्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पे ना जो कारपेट सोफा पे बिछा के रखती हूँ बहुत गंदा हो गया था, इसको मशीन में धोना नहीं चाहती थी. एक्चुअली ये जो है ना वो थोड़ा निकल जाता है, बट हाथ से बहुत हीवी हो जाता है, इसलिए मशीन में. सो अभी जो है बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि सेफा जो है उसे लेके आ रही है, तो मुझे स्टेशन पिकअप करने जाना पड़ेगा. हाँ, पवन चले गए हैं, वो ऑफिस चले गए हैं, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा. तो इसलिए लेके चलती हूँ स्टेशन पे. मुझे लाइक स्टेशन पे फ्रूट वगैरह ना थोड़े रिजनेबल प्राइस पे मिलते तो वो भी ले लूँगी. इतनी कड़ी धूप निकली हुई है ना, बिल्कुल हालत ख़राब हो जा रहा है. तो बस मुझे ऑटो लेना है, क्योंकि स्कूटी मैंने बहुत बार सोचा है लेने के लिए, लेकिन पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है एंड मुझे चलाना आता भी नहीं है. इन फ्यूचर कहीं और शिफ्ट हुई तो ज़रूर स्कूटी मैं ले लूँगी. ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर पवन चले जाते हैं तो. आ गया, हम मैं इधर देख रही हूँ, इधर से आएगा ये लोग, इधर से आया. कैसा लग रहा है घर आके? इसका वो हमेशा इसका पता नहीं मूड कहीं भी जाता है ना, इसका मूड ऑफ ही रहता है. ये प्यार नहीं की जिस इसका आते ही आते मम्मा को मारना शुरू करते. चलो घर चलते हैं, चलो. तो इतनी गर्मी है कि हम लोग गर्मी का जूस जो है थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद घर की तरफ चलेंगे. तो चलो यहाँ शेड में खड़े होते हैं. आ जाओ अरू, बहुत चलो घर में जाके फैन के नीचे बैठ जाना. जो
है आ गए हैं, तो बच्चों के बिना घर तो घर बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मेरे बच्चे नहीं थे तो अब बच्चे आ गए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी बस इसी खुशी में, ऐसे थे लोग खुद खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने बोला कि दोनों को मैं खिला दे रही हूँ फटाफट से। अरु जल्दी बेटा, कि छुटकू ना आते आते मुझे स्टेशन पे मारने लगा, बोल रहे कि मम्मा आप मुझे प्यार नहीं किए, बताओ मेरे एक हाथ में बैग एक हाथ में कैमरा, मैं ऐसे कैसे हक करूँ, घर आके तो प्यार किया ना दोनों को, आओ रु। हेलो उस बोलो देखो कितने दिन आंटे आप लोगों को नहीं देखे, बोलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। खाना खा लिया है, अब मेरे खाना खाने की बारी है। तो ये देखो धूप इतनी तेज निकली है ना यार, एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, तो अभी मैं क्या करूँगी, सारे कर्टेन वगैरह मीन्स खाना खा के कर्टेन लगा दूंगी, उसके बाद थोड़े से पंखे के नीचे बैठ के एडिटिंग करूँगी। तो देखो ये तुलसी माँ मेरी जो है वो सूख गई है, मीन्स इतने दिनों से पूजा नहीं हो रही थी, और ऐसे भी ये तुलसी माँ मेरी लगभग 3 से 4 साल पुरानी थी, तो मुझे लग ही रहा था कि अब जो है तुलसी का ये पौधा ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, तो कल मैं जाऊँगी तुलसी का पौधा लाने। ये हवा से इतना उड़ता है ना, इसके लिए देखो क्या जुगाड़ है, ये जो कपड़े वाला क्लिप होता है ना, ऐसे करके लगा देती हूँ, क्योंकि देखो ये जो घर है ना रोड साइड पे, तो यहाँ से अगर पर्दा निकलता है ना तो सामने भी घर है, अभी वो लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत अभी अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से मैं क्लिप को लगा देती हूँ कि पर्दा उड़े भी तो थोड़ा सा सिक्योर रहे। तो ये है देसी, ये देखो दोनों थके बिल्कुल सो गए हैं, कैसे सो गए, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में, जनरली बच्चे दोपहर में सोते ही नहीं, ये लोग बहुत रेयर ऐसा होता है ना कि दोपहर में सो जाती, पर ट्रेन से ट्रैवल करके आए थे, थक गए थे, ऊपर से इतनी गर्मी थी, तो लोगों को सुलाते सुलाते थोड़ी देर में खुद भी सो गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है। जो का शाम का नाश्ता है, जो एप्पल मैंने कट करके रखा है, तो ये लोगों को अभी मीन्स दूंगी, उसके बाद में दूध गर्म करूँगी। एंड ये देखो आज जो स्टेशन गई थी ना, मुझे ये बहुत पसंद है, जहाँ फ्राई करने से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और ये मेरा स्कार्फ आई तो बिल्कुल थक गई, बच्चों को खाना बना के, ये नमक, ये सेंधा नमक मैं खाती हूँ, तो ये नमक ख़त्म हो गया था, नमक लेके आई हूँ। और ये देखो एक छोटे छोटे पापड़ रहते हैं ना, कभी कभी अच्छे लगते, कुछ नहीं रहता, फटाफट लाइक छान लो, देखिए लिया मैंने, और एक ये राइल, एक्चुअली ये तीन चीज़ें मैंने इसलिए ली, एक जो बूढ़ी बहुत बूढ़ी आसी आंटी लाइक सेल कर रही थी, तो इसलिए मैंने लिया, अगर कहीं दिखता है इस तरह के लाइक तो आप ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ खरीदें। मैं ये देखो ये चार ऑरेंज लाइक बहुत सारे फ्रूट हो गए थे, क्योंकि मैंने एप्पल भी ले लिया था, तो ये चार ऑरेंज ही लिए, और ये इतने सारे बिस्किट्स जो आप देख रहे हो ना, इसकी मासी ने दिया है, तो ये सारे बिस्किट यहाँ पे मीन्स नहीं मिलते हैं, ये सब बंगाली एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, तो ये बिस्किट, और बस यही छोटी सारी आज स्टेशन के बहाने मीन्स ग्रॉसरी फ्रूट सब की शॉपिंग हो गई। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया है एंड मैश कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पे मैं बहुत सारी धनिया पत्ती को ऐड करूँगी, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट धनिया पत्ती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अदरक एंड मिर्ची को क्रश कर लिया है, मींस ब्लेंडर में चला लिया, आप चाहो तो इसे क्रश करके भी दे सकते हो, बट मैं अपने बच्चों के कारण इस तरह से देती हूँ। एंड देन मैं नमक को ऐड करी, आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, एंड सबको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से आटे की लाइक कटोरी बना देनी है, जैसे हम फिल करते हैं पराठा टाइम, एंड ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग मेरे घर में सबको पसंद है, तो मैं यहाँ पे इसे फिल कर रही हूँ। एंड लाइक एज यूजुअल मैं इसे सेक लूँगी तवे पे, मैं यहाँ पे बटर से सेक रही हूँ, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल या फिर कोई और ऑयल आपको पसंद है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप इस आलू पराठे को लाइक ट्राई करना, आप फ्राई करके जो आलू पराठा बनता है आप उसे भूल जाओगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे आप रोज़ बना सकते हो एंड रोज़ खा सकते हो एंड रोज़ इन्जॉय कर सकते हो।
पास स्टडी टेबल निकाल के उठा के नहीं रखा, तो अभी जो है मुझे इसे उठा के रखना पड़ेगा। एंड ये बैग देख रहे हो, एक नेबर लेके गए थे लाइक बुक, बट वो बुक जो है काम में नहीं आया, तो बुक वो रिटर्न दे गए, तो इसको जो है मैं अभी लाइक जगह पे रखूंगी। तो इस तरह से काम, अभी स्कूल बुला रहे यार, अभी क्या क्या बाकी है पता नहीं। तो ये टेबल ना देखो टूट गया है, तो मैंने मीशो पे एक टेबल देखा है, वो मुझे अच्छा लगा है, तो वो बच्चों के लिए मंगवा दूंगी। तो टेबल जो इस तरह से देखो, गेट के पीछे भी कितने सारे सामान है, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। हाँ, खिलौना है रुलो का सब। ये देखो अभी मैं कितनी सारी सब्जियां लेके बैठी हूँ। ये ड्रम स्टिक जो आप लोगों के साथ दिखाई थी ना, कल यही बना दूंगी क्योंकि ये सूखते जा रही है। एंड ये सुबह जिसका जूस निकालती हूँ उसको भी अभी कट करके डब्बे में रख दूंगी, दैट सुबह जल्दी जल्दी कर लूँ। एंड ये है करेला, तो वो करेला काफ़ी दिन, एक करेला देखो कैसे पक गया है। तो बस क्योंकि अभी सुबह पवन को जल्दी जाना रहता है, तो ये सारी वेजिटेबल जैसे मैं पहले किया करती थी जब स्कूल ऑफिस वगैरह स्टार्ट थे 2 साल पहले, तो इस तरह क्या होता है ना, सुबह आपको टेंशन नहीं रहती, किचन साफ रहता है, सब्जियां अगर रहती है कटी हुई तो फटाफट बस अब फ्रिज से निकालो 10-15 मिनट पहले एंड सब्जियों को बना लो। तो अब सारे शेड्यूल पहले वाले जो है स्टार्ट होंगे। बहुत मौज मस्ती हो गई कोरोना के बहाने, तबाही तो मचाई देखो नो डाउट, बट उस सफ़र के साथ में जो मेंटल सफ़र हमने किया ना, लाइक सब चीज़ की आदत पूरा उथल पुथुल हो गया हम लोगों की लाइफ, तो वो बैक ऑन ट्रैक देखो, मीन्स लाना तो पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट नहीं अच्छा है। एंड मैं भी सोच रही हूँ कि अपना एक नया रूटीन लाइक स्टार्ट करूँ, खाना बनाना मैं टारगेट रख रही हूँ कि 7 बजे भी 6:30 बजे भी अगर मैं उठती हूँ तो 11-11:30 बजे तक खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, मीन्स पूजा वूजा करके सब कुछ। अभी सैटरडे से हमारे घर में पूजा होगी, क्योंकि घर में बात हुई थी तो शायद बोला कि सैटरडे से पूजा हो सकती है, तो कोशिश करूँगी थोड़ा टाइम लगेगा कि 11:30 तक सारे काम हो जाए एंड 11:30 से मैं अपना शूट करना स्टार्ट कर दूँ 2 बजे तक, ताकि मेरा शूट खत्म हो जाए। उसके बाद 2 बजे के बाद में जो भी घर के बच्चे स्कूल से जब आएंगे उनको खाना खिलाना या और भी जो भी काम रहेंगे, एंड शाम थोड़ा सा दोपहर में मैं रेस्ट करूँगी, तो कुछ थोड़ा सा इतना बॉडी काम करेगी तो 1 घंटा तो रेस्ट चाहिए, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद में फिर शाम को अपनी एडिटिंग लाइक जो भी शाम के काम होंगे, खाना बनाना, तो शाम को कर लूँगी। तो इस तरह से अगर मैं मैनेज करूँगी ना लाइक जो फैशन का कॉन्टेंट है दोपहर में, तो मुझे उतना बर्डन नहीं होगा। स्कूल बंद थे तो कोई किसी भी टाइम कर लेती थी, इतना टेंशन नहीं रहता था, सुबह देर से भी सो के उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बट मेरा भी अभी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हाँ रू, बहुत टाइम हो रहा है। देखिए मैंने से पूछ रहा, बहुत टाइम हो रहा है, क्यों मक्खन लगाने आया है मेरे को पक्का? क्या हुआ बोलो? इसको पियानो बनाना है। मैंने इतने सारे इमेजेस गूगल करके दिए लेकिन इसे एक भी पसंद नहीं आया है, तो मैं क्या चाहता वैसा यही नहीं रहा, जैसे ये चाहता है वैसा है नहीं, पता नहीं इसकी इमेजिनेशन कैसी है, कैसा इसको चाहिए और इसको नहीं मिल रहा है। लुक एट हिज फेस, ये ऐसा फेस बनाता है ना, क्या? चलो मम्मा को काम कर। हनुमान है, हनुमान नारियल दे। चलो मैं सब्जियां काट लेती हूँ फटाफट। सो अभी किचन वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है, बस ये दूध जो गर्म हो जाए एंड बालों में थोड़ा सा ऑयल लगाया, अभी कॉम करूंगी उसके बाद में लाइक सो जाऊंगी। तो ये देखो थोड़ा सा अभी वो मैं पीती नहीं हूँ, बट हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी थोड़ा रोज रात को आदत लगाया, तो चलो लाइट ऑफ कर देते हैं एंड सोने की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी दूध नहीं पीते तो दूध ज़रूर ज़रूर लीजिए, बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए दूध पीना, क्योंकि कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है। एंड पराठे बहुत टेस्टी बने थे, आप ट्राई करिएगा। अभी बस चेंज करूँगी, आज सिर्फ कारपेट धोया, एक बैच अभी पड़ा हुआ है लाइक वॉशिंग मशीन में, तो अभी मैं चेंज करके ये भी डाल दूँगी, सुबह उठते के साथ में लाइक मशीन को चला दूँगी।